Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul, I am a teacher. इस स्टूडियो में मैं आपको देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, जो कि इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से है योगा और अदर कोर्सेज के एजुकेशन के लिए, यहाँ पे देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के एडमिशन्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। 2024 के एडमिशन्स के इम्पोर्टेंट डेट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी दी जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार और अदर यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि मोरारजी देसाई नेशनल स्टूडियो प्रोग्राम न्यू दिल्ली, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट CUET, PG, UG, लखनऊ यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, SPSA बेंगलोर और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा MPH, BEd और अदर कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार के जो सेशन 2023-24 के लिए अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इसमें है, जो स्टार्ट में थे ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये 19th अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुए हैं और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने की लास्ट डेट है वो 29 जून 2023 29 जून 2023 है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विद अ लेट फी ऑफ ₹100 पर डे, जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की ₹100 लेट फीस पर डे के हिसाब के अकॉर्डिंग वो है 6th of July 2023। तो लेट फीस के साथ 6th July 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। एंट्रेंस जो है रिटर्न एंट्रेंस एग्जाम है 9th of July 2023 को और जो डिक्लेरेशन होगा रिटर्न एंट्रेंस एग्जाम का वो होगा 13th of July 2023। ग्रेजुएशन के लिए इंटरव्यूज हैं 15th to 16th July 2023। पोस्ट ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा के लिए 17th to 18th July 2023 और जो अनाउंसमेंट ऑफ इंटरव्यू रिजल्ट है 20 जुलाई 2023। ऑफलाइन एडमिशन प्रोसेस 21 to 24 जुलाई 2023। एडमिशन प्रोसेस ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम वेटिंग लिस्ट 25 to 26 जुलाई 2023। स्टार्टिंग ऑफ सेशन ज्ञान दीक्षा इन्वोकेशन सेरेमनी 27 जुलाई 2023। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन 28, 29 and 30 जुलाई 2023। स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन फॉर द न्यू बैच 31 जुलाई 2023। तो ये इम्पोर्टेंट डेट्स थी देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार के लिए। अब मैं यहाँ पे इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार के एडमिशन्स के लिए इसके बारे में बताऊँगा। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है इसमें प्रोग्राम्स हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहला जो प्रोग्राम है वो है डिप्लोमा। इस डिप्लोमा के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए वो है 12th पास विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड फॉलोइंग 10+2 पैटर्न। तो डिप्लोमा के लिए 12th पास होना चाहिए और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, स्टूडेंट मस्ट हैव कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 11th और 12th और कैंडिडेट्स हैज डन अ कोर्स ऑन कंप्यूटर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और सेंटर इज कंपल्सरी फॉर डिप्लोमा इन मीडिया ग्राफिक्स एंड वीडियो एडिटिंग। तो मीडिया ग्राफिक्स एंड वीडियो एडिटिंग का जो डिप्लोमा है उसके लिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, स्टूडेंट मस्ट हैव कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट इन 11th या 12th में कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए और कैंडिडेट हैज डन अ कोर्स ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में कोई कोर्स करना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और सेंटर, किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और सेंटर से। इसके अलावा है पीजी डिप्लोमा। जो पीजी डिप्लोमा के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है बैचलर डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी फॉलोइंग 10+2+3 पैटर्न। पीजी डिप्लोमा के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ 10+2+3 पैटर्न से। पीजी डिप्लोमा गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो पीजी डिप्लोमा गाइडेंस एंड काउंसलिंग है उसके लिए एलिजिबिलिटी है फर्स्ट ग्रेजुएट विद टीचिंग डिग्री बीएड एमएड। पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए टीचिंग डिग्री के साथ बीएड और एमएड। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू
टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस दिया जाएगा। सेकंड है बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी। थर्ड है पोस्ट ग्रेजुएट इन एरिया ऑफ साइकोलॉजी एमएसडब्ल्यू चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशल एजुकेशन फॉर मिनिमम परसेंट ऑफ मार्क्स फॉर ऑल टारगेट ग्रुप्स इज 50%। नेक्स्ट है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है यह है 12th पास विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड हैविंग 10+2 पैटर्न। अंडर ग्रेजुएट के लिए 12th होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज कैंडिडेट्स हैज डन अ कोर्स ऑन कंप्यूटर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और सेंटर इज कंपल्सरी फॉर बैचलर ऑफ वोकेशनल इन 3D एनिमेशन एंड VFX। तो ग्रेजुएशन के लिए तो जैसा कि बताया था 12th पास होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड फॉलोइंग 10+2 पैटर्न। और इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। कैंडिडेट्स हैज डन अ कोर्स ऑन कंप्यूटर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और सेंटर। कंप्यूटर में कोई कोर्स होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और सेंटर से। बैचलर ऑफ वोकेशनल इन 3D एनिमेशन एंड VFX। तो ये जो कोर्स है बैचलर ऑफ वोकेशनल जो कोर्स है इन 3D एनिमेशन एंड VFX इसके लिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। कैंडिडेट्स हैज डन अ कोर्स ऑन कंप्यूटर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और सेंटर। कंप्यूटर में कोई कोर्स कराया होना चाहिए। इसके बाद है BCA एंड BSc मैथमेटिक्स। BCA और BSc मैथमेटिक्स के लिए 10+2 विद मिनिमम 50% एंड मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो BCA और BSc मैथमेटिक्स के लिए 10+2 होना चाहिए मिनिमम 50% के साथ और मैथमेटिक्स होना चाहिए एक सब्जेक्ट के रूप में। नेक्स्ट है मास्टर्स प्रोग्राम। मास्टर्स के जो प्रोग्राम है इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है अ बैचलर डिग्री फॉर द 2 ईयर 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम। मास्टर्स प्रोग्राम के लिए एक बैचलर डिग्री होना चाहिए फॉर द 2 ईयर और 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम। तो 4 सेमेस्टर या 2 ईयर के जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम है इसके लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए। ए बैचलर डिग्री फॉर द 1 ईयर 2 सेमेस्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम। और जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम है उसके लिए बैचलर डिग्री फॉर द 1 ईयर और 2 सेमेस्टर बैचलर डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी फॉलोइंग 10+2+3 पैटर्न। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ कम से कम 10+2+3 पैटर्न से। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए BCA और BSc कंप्यूटर साइंस मैथ्स स्टैटिक्स IT फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 50% मार्क्स कोर मैथ्स इन 12th स्टैंडर्ड इज कंपल्सरी। नेक्स्ट है MSc अप्लाइड मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट साइंसेज। MSc जो है अप्लाइड मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट साइंसेज के लिए BSc बॉटनी और प्लांट साइंस। BSc बॉटनी या प्लांट साइंस के साथ होनी चाहिए या फिर एग्रीकल्चर बॉटनी ऑनर्स जूलॉजी और केमिस्ट्री और इन्वायरमेंट साइंस और हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री और सीड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी बी फार्मा और BAMS और BRS ऑनर्स ग्रेजुएट इन दीज स्ट्रीम्स विद 50% और एबव मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है MA म्यूजिक तबला एंड पखवाज। बैचलर डिग्री इन म्यूजिक तबला पखवाज और प्रभाकर विद ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी फॉलोइंग 10+2+3 पैटर्न विद मिनिमम 50% मार्क्स। नेक्स्ट है MA म्यूजिक वोकल। बैचलर डिग्री इन म्यूजिक वोकल और प्रभाकर विद ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी फॉलोइंग 10+2+3 पैटर्न विद मिनिमम 50% मार्क्स। MSc योगा थेरेपी BSc योगा साइंस विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी फॉलोइंग 10+2+3 पैटर्न। नेक्स्ट है BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन। बैचलर डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी फॉलोइंग 10+2+3 पैटर्न और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और BE और BTech विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट।
तो बैच बीएड के लिए जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ, या फिर 10 पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, या बीई और बीटेक डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट है एमबीए, एमबीए के लिए बैचलर डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी फॉलोइंग 10+2+3 पैटर्न। एमबीए के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 10+2+3 पैटर्न के साथ। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार के लिए जो एडमिशंस 2023-24 है, इसके जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है, और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जैसे कि देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार, कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरन टेस्ट, यूईटी, पीजी, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, पुणे यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, एस वैसा बैंगलोर और अन्य यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा और अदर कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।